रिजल्ट इंटर का जारी हो सकता है। कल से टॉपर्स वेरिफिकेशन का काम शुरू हो जाएगा, जो इस वक्त बड़ी जानकारी एक्सपर्ट टीम टॉपर्स वेरिफिकेशन करती नजर आएंगी। परीक्षा में कुल 16,48,000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, अपने ही रिकॉर्ड को फिर एक बार तोड़ने की तैयारी। 1 से लेकर 14 फरवरी तक परीक्षाएं आयोजित हुई थी, 16,48,000 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। 1 से लेकर 14 फरवरी तक की परीक्षाओं को लेकर अब कल से टॉपर्स वेरिफिकेशन का काम शुरू हो जाएगा और 17 मार्च तक रिजल्ट जारी करने की बात सामने आ रही है। कल से टॉपर्स वेरिफिकेशन का काम शुरू। हमारे संवाददाता रजनीश इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर पटना से जुड़ गए हैं। रजनीश, एक बड़ी खबर इस लिहाज से भी कि बहुत तेजी से और बहुत गंभीरता से कॉपियों की जांच और रिजल्ट भी 17 फरवरी तक आ सकता है। बिल्कुल, देखिए विभा, सूत्रों से जो खबर मिल रही है कि बिहार बोर्ड ने कल ही प्लान कर लिया है कि होली से पहले यानी 17 मार्च तक हर हाल में इंटर परीक्षा का रिजल्ट जो है जारी कर दिया जाए, जिसको लेकर डे नाइट वहां पर काम शुरू हो गया है। जो भी आईटी सेल के कर्मी हैं, अधिकारी हैं या बिहार बोर्ड के कर्मी हैं, तमाम लोग 24 घंटे वहां पर अभी काम कर रहे हैं। कॉपियों का मूल्यांकन जैसे ही पूरा हुआ, उसके बाद अब एक्सपर्ट टीम का गठन किया जा रहा है और जो टॉपर्स हैं 1 से 15 तक उनको जो है कॉल जाएगा शाम से, ये जानकारी मिल रही है सूत्रों से। और 17 मार्च तक हर हाल में रिजल्ट जारी करना है ताकि जो परीक्षार्थी है वो खुशी खुशी होली मना सके।